छोड़ो आंदोलन का दौर था। असम में आजादी के दीवानों ने 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 82 किलोमीटर दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराने की ठानी थी। आंदोलनकारियों का जत्था भारत माता की जय बोलते हुए थाने की ओर बढ़ रहा था। तिरंगे को थामे 18 वर्षीय नवयुवती जुलूस के आगे चल रही थी। इसका नाम था कनकलता बरुआ। गहपुर थाने का प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने खड़ा था। कनकलता ने थानेदार को कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाना प्रभारी ने भीड़ को डांटते हुए कहा था कि यदि तुम लोग एक इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। उस पर भीड़ का नेतृत्व कर रही युवती शेर के समान गरज उठी और बोली, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत करिए, आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकते, फिर वो करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे नारों से आकाश गूंज उठा और फिर क्रांतिकारी थाने की ओर बढ़ चले। पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली, दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी जिससे उनकी वही मृत्यु हो गई। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी किंतु इनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। इनके साहस और बलिदान को देखकर युवाओं का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानते हुए युवक आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक गिरते गए पर झंडे को झुकने नहीं दिया। अंत में रमापति राजकुवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। अपने इस अप्रतिम साहस और बलिदान के कारण असम की लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती हैं कनकलता बरुआ। कनकलता का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। कनकलता का लालन पालन उनकी नानी ने किया। अगर कनकलता बरुआ आज जीवित होती तो 92 बरस की होती और बच्चों को आजादी की दास्तां सुना रही होती, पर महज 18 बरस की उम्र में कनकलता अमर बलिदानी हो गई।